ऑलराइट देन, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। और आज के सेशन में अगेन जैसे कि कुछ रैंडम क्विजेस, मतलब चैप्टर तो मैं पढ़ाते ही रहता हूँ आप लोगों को, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ रैंडम क्विजेस के ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो उसी थॉट को, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज के भी कुछ इसी तरीके के कुछ रैंडम क्विजेस आपके सामने होंगे, जिसको एक बार हम लोग साथ साथ ट्राई करेंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाते हैं, ठीक है। तो यही थॉट है आज की क्लास का, इसी के साथ, इसी पॉइंट के साथ आज की क्लास हम लोग करते हैं स्टार्ट। सो अभिनव, सोनाली, विजय, वेलकम है जी आप सभी का। चलो तो स्टार्ट करें आज की क्लास हम लोग, कह सकते हैं कि हाँ सर, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार आज की क्लास, समझते हैं क्या क्वेश्चन होना, क्या आंसर होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यार आपके सामने है, जिसमें मैंने बोला कि अ रोम्बस ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर हैज वन एंगल 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल, ठीक है। हाई हेलो करते हैं एक बार, ये फटाफट से आप लोग क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर दो और मुझे बता दो क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आप लोग फटाफट से सॉल्व कर दें, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आगे रखता हूं। आज बाकी ध्यान रखना है, आज मैं 2 बजे वाली क्लास नहीं ले रहा हूँ ऐप के ऊपर, ठीक है। आज जो 2 बजे मेरी क्लास होती है जनरली ऐप के ऊपर, वो वाली क्लास आज नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसका आंसर बताएं क्या आंसर आना चाहिए, उसके हिसाब से डिस्कशन करते हैं। और यार काफी अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हो यार आप लोग, उसके लिए शुक्रिया, ठीक है। वो क्या होता है, हैड डेडिकेट कर रहे हैं एंड ऑल, तो इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छा है। हाँ कई बार बहुत हैवी भी मैसेज होता है मेरे को, 4 2 3 बार ध्यान से पढ़ना होता है, जैसे आई थिंक दिव्या ने लास्ट टाइम मैसेज किया था, ठीक है, वो काफी हैवी था, ठीक है। चलो जी फिलहाल आई थिंक संस्कृत में था शायद, तो अभिनव, सोनाली, विजय एंड प्रिंसी, चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यार इस क्वेश्चन का आंसर होना क्या चाहिए आपको। सीधी सीधी से यार कुछ एक बातें हैं जो आपको सीधा सा डायगोनल से रिलेटेड पता होनी चाहिए, क्या रोम्बस से रिलेटेड, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लेना और देख लेना आपको क्या है सारी बातें पता है या नहीं पता है। अगर मैंने आपके सामने एक रोम्बस बनाया है, ABCD नाम का एक रोम्बस है, तो रोम्बस में क्या क्या खास बात होती है। सबसे पहली बात, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली बात, इजी सी चीज, ठीक है, नंबर वन। सेकेंड पॉइंट, रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू में D1 इंटू में D2, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज, कि रोम्बस के जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, जो डायगनल होते हैं रोम्बस के, डायगनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। और एक चौथा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो डायगनल होता है रोम्बस का, डायगनल बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स एंगल को। बस ये इतनी बातें आपको रोम्बस से रिलेटेड पता होनी चाहिए। कहने का मतलब, कभी भी आपने अगर कोई भी रोम्बस का क्वेश्चन देखा है तो ये 4 बातें आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए तुरंत, तो आप आराम से उसका आंसर कर सकते हो। क्या, चारों साइड इक्वल, एरिया हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, तीसरा, डायगनल्स के जो रोम्बस के डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और चौथा पॉइंट है कि डायगनल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, डायगनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, बात खत्म, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी सोच के साथ आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब आई गेस आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। देखो क्वेश्चन में ये बोला था मैंने कि यार एक रोम्बस है, तो मैं एक रोम्बस बना देता हूँ। सबसे पहले ये मैंने रोम्बस बना दिया ABCD नाम का, ये ABCD नाम का एक रोम्बस हो गया। इसमें कहता है साइड इसकी 28 है, ठीक है जी, ये 28 है, एक एंगल 60 डिग्री है, बी को मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ। कहता है लार्जर डायगनल बताओ, तो मुझे पता है जब मैं इसके ऐसे करके डायगनल बनाऊंगा ये ओ पॉइंट पर, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, और ये जो डायगनल है ये वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हुआ, जरा इसको मैं साइड में बना लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा ओ, ये हो गया मेरा ए, और ये हो गया मेरा बी, जिसमें कि ये वाली साइड है 28 और ये एंगल कितना मेरा 30 डिग्री है। अब आपको पता है कि यार टेन 30 डिग्री क्या होता है, टेन 30 डिग्री क्या होता है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और टेन बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो इस हिसाब से ये वाली साइड 1 होगी और ये वाली साइड √3 होगी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाला हाइपरटेनस कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। सीधी सी बात है, अगर आपके सामने टेन, मतलब कि हमेशा टेन ही ले लिया करो, क्योंकि टेन ना जनरली बच्चों को याद रहता है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, यानी परपेंडिकुलर है 1, बेस है मेरा √3, अगर मैं कंपेरिजन करूं तीनों साइड का तो हाइपरटेनस 2 आएगा। अब हाइपरटेनस की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, हाइपरटेनस मुझे दे रखा 28, मल्टीप्लाई 14 करना होगा, यानी जो साइडें मैंने एज्यूम करी है उनको एग्जामिनर की साइड पे लेके जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 14, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल,
तो यार लार्जर डायगनल अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहां से, हालांकि मुझे दोनों डायगनल नहीं पता है, लेकिन ये पता लग रहा है कि देखो यार अगर ये हिस्सा एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा था, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। फिलहाल अगर मैं एओ और बीओ में बात करूं तो बीओ की लेंथ लंबी है क्योंकि ये रूट थ्री है, ठीक है, तो बीओ की एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट थ्री इंटू 14, यानी कि 14√3, और मुझे पूरा डायगनल बताना है एसी, तो एसी की वैल्यू क्या होगी, 14√3 का डबल यानी कि 28√3। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, 28√3 विल बी द आंसर। बताओ यार क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर व्हाई इन आई एम मोस्टली आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड व्हाई नॉट कॉमर्स स्ट्रीम, बिकॉज सब्जेक्ट इन एमबीए आर रिलेटेड टू कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग वाला डोंट नो। अरे यार फर्क बस पता क्या होता है ना यार, जो छोटे ऐसे आप हर किसी में देखना, आप मैक्सिमम में देखना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के भी एग्जाम देखोगे ना वहां पर ये बीटेक वाले ज्यादा क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर बच्चे। फर्क सिर्फ इतना होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई खास एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आनी तो 10th लेवल की मैथ्स का कॉन्सेप्ट वो भी सीखता है, कॉन्सेप्ट ये भी सीखता है, बस फर्क इतना होता है कि जो बच्चा एक यू नो बीटेक कर रहा है, एक अच्छी जगह से उसने बीटेक करी है, सिंपली मीन्स कि यार वो पढ़ने में इंटरेस्टेड बच्चा है, वो पढ़ाई वढ़ाई से लेके काफी इंटरेस्ट रखता है अपना, ठीक है, उसका कह लो कि बेस बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो बेस काम उसके आ जाता है क्यों हमेशा से पढ़ता है। एक पता क्या ना यार, एक होती है आदत, एक होती है आदत दिन में 8 घंटे पढ़ने की, ठीक है ना, दिन में 8 घंटा पढ़ना, 6 घंटा पढ़ना, ये एक आदत होती है जो हर बच्चे के अंदर नहीं होती, क्लियर है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, तो ये भी एक आदत होती है जो उस बच्चे में कहीं ना कहीं आदत है 8 घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ने की, जो कि नॉर्मली में नहीं होती है। तो ये कुछ एक बातें हैं, काइंड ऑफ बिहेवियर का कह लो फर्क आ जाता है, ठीक है, और कुछ खास फर्क नहीं है। हाँ तो ये हो गया आपका 8 हो गया, ये हो गया आपका 6 हो गया, डन, आई होप बात क्लियर। 8 आ, मैं जनरल सी बात कह रहा था वहां पे, खैर इसको छोड़ो, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्या, 2 की पावर 24 - 1 डिविजिबल बाय, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं 7 से तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो ऑप्शन है 2, 0, 4, 1। तो सही ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है, मैं पोल क्रिएट कर देता हूं। टू की पावर 24 - 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है। ओके करा हुआ है मतलब, ये तो आता है सर अपने, ठीक है, रिमाइंडर वगैरह फाइंड आउट करना है, मैंने आप लोगों को सिखाया था जो भी उसके तरीके होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, उन सब चीजों के ऊपर मैंने आपके साथ बातें करी थी, तो ये तो आई गेस क्लियर होगा कई बच्चों को। डन है, डन है, डन है, चलो फटाफट से देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए इसका। सर प्लीज रिप्लाई कर दो, बस सर बस 2 क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो, कौन से 2 क्वेश्चन, खैर तो यहां पर अगर मैं देखता हूं यार इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मेरा सिंपल सा पैटर्न क्या होगा कि 2 की पावर 24 - 1 लिखा है यार अपॉन में 7 है, मुझे पता है कि यार 2 की पावर 3 कितना होता है क्योंकि 7 से मैं रिलेट होते हुए देखूं तो 24 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, की पावर 8 कर सकता हूं मैं, -1/7, 2 की पावर 3 कैन बी रिटन एज 8, 8 की पावर 8 - 1/7। अब जब आप इस 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जब आप 8 को 7 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है, और 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आना है, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा 1 की पावर 8 - 1 यानी कि 1 - 1 के हिसाब से 0 आंसर होगा, तो 0 विल बी द राइट आंसर। डन है, कोई डाउट तो नहीं है? शिवम आप किस चीज के बारे में, कौन से 2 क्वेश्चन मतलब ऊपर जो आपने चैट में लिखा है,
यार मैं क्या बताऊँ, ये अपने अपने इस पे, चलो मैं बताता हूँ, करता हूँ बात इस पे, ठीक है। चलो डन है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को सारी बातें क्लियर होगी। चलो एक क्वेश्चन और है, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो मैंने इसको प्रिंट नहीं करा, मैंने सोचा ऐसे ही दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। दैट इज कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 और सी रेशो डी इज इक्वल टू 5A:3B, तो आपको ये बताना है कि 2C:5D की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शन है 1:1 एंड 10:9, 4:9 एंड 9:10, ठीक है। ये आपके कुछ चार ऑप्शन है ABCD नाम के, आपको बताना है करेक्ट क्या होगा, ठीक है। मैं पोल क्रिएट कर देता हूं, हाँ अब ठीक है। सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले आर वीक इन अकाउंट्स एंड दे डोंट ऑप्ट फाइल फाइनेंस, मोस्टली इन फाइनेंस स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कॉमर्स फील्ड। हाँ तो मतलब समझा नहीं मैं, ये तो ठीक है, वैलिड है कि इंजीनियर वाले नहीं करते हैं, ऑप्ट नहीं करते हैं, अकाउंट्स में वीक होते हैं। यार ये एंट्रेंस है यार, एंट्रेंस के खेल की मैं बात करूँ, एंट्रेंस का खेल अलग है। एंट्रेंस में अगर आप देखोगे आपकी क्वांट्स आनी है, LRDI आना है, ठीक है, तो एंट्रेंस निकालना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। एंट्रेंस जो होता है वो तो कई देखोगे ऐसे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे निकाल देते हैं, ठीक है ना, जिनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो 1 साल लग के पढ़ाई करते हैं, 1 ईयर लग के पढ़ाई करते हैं, और वो भी अपने एंट्रेंस निकाल देते हैं बहुत ही अच्छी परसेंटाइल के साथ। तो एंट्रेंस में ऐसा कुछ इस लेवल पे मैटर नहीं करता। हाँ आप ये सोच सकते हो कि सर इंजीनियर जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, वो MBA क्यों कर रहा है, ठीक है। उस वाले पॉइंट से अगर आप सोचो तो वो थोड़ा सा इलॉजिकल चला जाता है कि यार उसका MBA से क्या कनेक्शन है, अगर आप उस पॉइंट से सोचना चाह रहे हो तो, ठीक है। वो आप कह सकते हो, उसका आप कह सकते हो कि आपस में काफी ज्यादा डिस्कनेक्टेड सी बात है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एंट्रेंस निकालने की बात करूं तो यार उसमें मुझे नहीं लगता है, क्वांट्स है यार, क्वांट्स के कुछ चैप्टर है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स वाले पे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है या बीटेक वाले पे है। अब ये सब जो फंडे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या कॉमर्स क्या साइंस, ठीक है, ये तो अपने अपने थॉट की बात है, अपने अपने उसकी चीज है। MBA क्यों करते हैं, जॉब अच्छी है यार, क्या बोलूँ मैं, ठीक है। बीटेक कर लिया तो बीटेक वाले सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं, यूपीएससी देख लो, कई बच्चे यूपीएससी क्लियर कर देते हैं। अगर स्ट्रीम के पॉइंट से जाओगे सही है, वैसे तो देखो यार अगर आपका MBA टारगेट है तो कोई भी स्ट्रीम ले लो, अगर आपका टारगेट ही MBA। हाँ लेकिन यह कि बाद में आप प्लान चेंज करो तो अलग बात है, वरना फिर कॉमर्स ही अच्छी फील्ड है, अगर आप कॉमर्स पे जाओगे तो कॉमर्स ही सही है फिर तो। अगर वैसे उस पॉइंट से कोई बंदा स्ट्रीम लेने की सोचा फिर तो कॉमर्स ही ठीक है, डन है। चलो ओके, कई बच्चों ने आंसर करे यार इसके, ओके सो आंसर कई बच्चों का है और ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों ने आंसर करा है बिल्कुल सही आंसर करा है सबने, ठीक है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, A:20, 2:3, CD का रेशो मुझे 5A:3B दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ यार, और अगर मैं सीधी सीधी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू 3, डायरेक्ट मैं यहाँ पर यूज ही कर देता हूँ ना, बात ही खत्म। तो सी से डी का रेशो मेरे पास सीधा आ जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो गया, एंड 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। हालांकि मुझे आंसर किसका बताना है, 5A:3B, तो 5A की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मैं यहाँ से, यू नो सॉरी 2C:5D, तो 2C की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 10 हो जाएगी, रेशो 5:9 हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक 25, से इसको कट ही कर दो, सीधा सीधा 2 पे गया, तो 4:9 विल बी द आंसर, तो 4:9 आपका आंसर करेक्ट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बेस्ट है फिर, अब तब तो वो कनेक्टेड सी चीज है ना शिवम, अगर BBA के बाद आप MBA कर रहे हो तो ये तो आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, वो समझ भी आता है कि BBA वाला बच्चा MBA कर रहा है, वो तो अलग ही पॉइंट है। अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने मॉर्निंग में कराया था, पर जिन बच्चों ने नहीं करा एक बार फटाफट से आंसर बताना इसका, वैसे मॉर्निंग वाले सेशन में ना मैंने कराया था, फिर मैं न्यू क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैंने शुरू के 2 3 क्वेश्चन कराए तो बच्चे नहीं थे क्लास में, बहुत ही रेयर 2 3 ही थे मुश्किल से, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करना क्योंकि मोस्टली ने नहीं करा होगा, ठीक है। एक सेकंड यार, गलत तो नहीं लगा दूंगा, नहीं सही है शायद, बोल तो सही है।
ये तो यार मैंने करा रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को काफी कराए मैंने, ठीक है। इस पे तो मुझे उम्मीद है कि आप सब आंसर भाई बताओगे। तो अंश, विजय, बहुत अच्छे जी। बाकी यार आप लोग पॉइंट समझ पा रहे हो ना, इन क्विजेस का पॉइंट क्या है? कई बच्चों, कई क्वेश्चन यार नो डाउट बहुत आसान है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा रेयर चांस है कि कैट में आएगा, बट द थिंग इज कुछ क्वेश्चन कैट में आपको पता है इजी वाले भी आते हैं, और ये पैटर्न आपको पता होने चाहिए, तभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे। यू नो छोटी छोटी सारी बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अब अगर मुझे लर्न फास्ट, अब मान लो मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं एक क्लास में मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा। अगर मैं ढंग से समझाऊं और आप लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करो तो मैक्सिमम 10 जाएंगे, 10 से ऊपर नहीं जा पाते। और अभी जैसे सेशन का नाम है लर्न फास्ट, ताकि छोटी छोटी चीजें फटाफट से अपने टिप्स पे लेकर आ जाओ। तो बस यही मोटिव है, ये जो मैं बार बार क्विजेज रख रहा हूँ इसका मोटिव सिर्फ इतना है कि जो कुछ बेसिक कैलकुलेशन है ना, ये तो आपके बिल्कुल टिप्स पे आती हूँ आपको, ताकि वो बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजिली कर पाओ से कंप्लीट, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना मैंने क्या बोला यार, मैंने आप लोगों को सक्सेसिव को कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका बता रखा है, ठीक है। एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा यार, मान लो कि डिस्काउंट किसी चीज पे आपको 20% का डिस्काउंट प्लस 40% का डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, 100 से नहीं, 100 से तो कर दोगे। मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो कई बार यूजफुल निकलता है, 100 हर बार काम नहीं आता। तो मेरा यह कहना होता है 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, दिस इज 2/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 से 4 हो गया, एंड दिस इज 5 से 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 25 रुपीज, यानी किसी चीज पे टैग अगर 25 का लगा है तो मार्केट में जाएगी कितने की, 12 की जाएगी। तो डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट मिला 13 का। 13 का डिस्काउंट कितने पे मिला, 13 का डिस्काउंट मिला 25 × 200। फिर जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो 52% आंसर आएगा। तो ये मेरा मेथड होता है इसको कैलकुलेट करने का, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ आप लोग इस चीज पे आपके पकड़ आपकी मजबूत हो इस पे, ठीक है। अब आता हूँ जरा मैं मुद्दे पे, देखना कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, कोई सिली मिस्टेक है तो इग्नोर करना, मेथड पे फोकस करना, ये मेथड है प्रॉपर, ठीक है। अब आता हूँ जरा मैं यहाँ पे। अब मेरा ये कहना है कि यार यहाँ पर मुझे पहला वाला 2 डिस्काउंट मिले सक्सेसिव, जो मुझे नहीं पता कितने कितने थे। तो ठीक है यार, ए बी मान लेता हूँ कि ए बी के 2 डिस्काउंट मिल गए मुझे। तो इस हिसाब से मेरे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो बनेगा, A²:B² बनेगा। अच्छा, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस तो मुझे वैसे भी पता है, इसने बोला कि बिकता है 512 का, यानी कि सेलिंग प्राइस है 512 और मार्क प्राइस कितना आपका, दैट इज 800, राइट। फिर आप जब इसको कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल आउट करते हो तो 8 के टर्म में जाएगा 100 पे, 8 के टर्म में जाएगा 64 पे, ये जाएगा 25 पे, ये जाएगा 16 पे, ठीक है। तो A²:B² की वैल्यू क्या आ रही है, 25:16 आ रही है। इट मीन्स ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 4 आ जाएगी। और अगर कोई चीज 5 से 4 हो रही है तो 1 का डिस्काउंट 5 पे और 1 का डिस्काउंट 5 पे × 100, यानी कि 20% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 20%। डन बात आ रही है पकड़ में, प्रियांशी पॉइंट क्लियर है, अदर बच्चों को भी, शिवम, संकेत, अभिनव, सबको क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कर सकता हूँ उम्मीद में इस चीज की। ठीक है, डन बात। तो फटाफट से यार कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, दैट इज अभी ये कुछ अगेन अपकमिंग बैचेस है, 28 अगस्त और 1 सितंबर को ये 2 बैचेस स्टार्ट हुए हैं जो आपके कैट 22 को टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप कैट 22 के लिए प्रिपेयर करो और आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या लेने वाले हो या ले चुके हो, ठीक है, तो आप जाकर के इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। और 1 सितंबर को एक और बैच स्टार्ट हुआ है, दैट इज टारगेटिंग कैट 21, यानी कि जो अभी आपका लास्ट आई वुड से 2.5 महीना बचा हुआ है, उसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे होंगे, सारे के सारे बेस्ट एडुकेटर हैं, आप उनके नाम भी देख सकते हो, सब आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, ठीक है। तो अपने अपने फील्ड के बेस्ट एडुकेटर आपको मिलेंगे। जब आप सब्सक्रिप्शन पे जाओगे आपको 2 तरह के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, प्लस और आइकॉनिक। प्लस के अंदर क्या होती है, आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस चलती है, वीकली टेस्ट होते हैं, पूरे ऐप का पूरा कंप्लीट एक्सेस आपको मिल जाता है, और एक वेल स्ट्रक्चर वे में आपको कोर्स देखने को मिलता है, और यही सारे फीचर आइकॉनिक में होते हैं। साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर हो गया, स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलता है, एक्सपर्ट की पूरी गाइडलाइंस मिलती है, प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस आपके सामने रखे जाते हैं, ठीक है, और आपको समझाया जाता है कि कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, कहां पर आप वीक हो। अगर मैं बात करूं 6 मंथ पे, तो 6 मंथ का है 6400 फॉर 12 मंथ पे, 3 मंथ आपके फ्री हैं 22550, और 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन लेने पर 22550, और 24 मंथ पे 3 मंथ आपके फ्री हैं, तो 32800 आपको ही ऑन एन एवरेज पड़ेगा, राइट। तो इसका आप ध्यान रखें, 12 मंथ पे 3 मंथ और 24 पे 3 मंथ आपके फ्री भी चल रहे हैं, बाकी आप कोड यूज करोगे RMN10, तो ये जो भी आप फी देख रहे हो ना, इस पे 10% का फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे मेरा कहना है यार, जो क्लासेस चल रही है वो तो बेटर है, बट क्या है कि सब्सक्रिप्शन के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी पूरी स्ट्रेटेजी और आपकी पूरा कोर्स चल रहा होगा, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज भी हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये जैसे यहाँ पर देखना, ये जो चल रहा है कैट 21 टेस्ट मैराथन, आप देख रहे हो, एक विद इन अ वीक कैट के 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, पर वीक आपके सेक्शन टेस्ट भी, आपके 3-3 बार सेक्शन टेस्ट चल रहे होंगे, मंथ में आपके 2 फुल लेंथ OMETs हो चुके होंगे, सेक्शनल और ऑल मॉक टेस्ट के सबके डिटेल सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। आप कोड यूज करें RMN10 जब भी आप इसकी तरफ जाओ तो, ठीक है। और बाकी यार ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, आइकॉनिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपैरिजन टू इसके, तो आप प्लस ले सकते हो, प्लस को बाद में आप आइकॉनिक में चेंज कराना चाहो तो आप करा सकते हो। तो 6 मंथ का है 25,800, 3 मंथ
12 मंथ के लिए 39,500, 24 मंथ के लिए 59,999, और जो आपको पता है इतना तो 4 महीने की फीस ले लेते हैं ये लोग जो टॉप इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टॉप इंस्टीट्यूट के सारे एडुकेटर मिल जाते हैं, ठीक है, और उसी फी पर आपको आइकॉनिक फीचर्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक क्या माड़ा है, क्या मतलब खराब है, ठीक है। और 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलती है, मतलब कि आपके जो आईएम के ग्रेजुएट है वही आपकी हेल्प कर रहे होंगे, मतलब आपको गाइड कर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ क्वांट्स ही नहीं होता ना, सिर्फ वर्बल नहीं है, कई चीजें और भी मैटर करती हैं आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के लिए। तो वहां पर एक गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है जिसमें कि ये जो टॉपर्स होंगे वो आपको हेल्प कर रहे होंगे, इसके अंदर 1-to-1 लाइव मेंटरशिप चलेगी आपकी, ठीक है। और बाकी यार ये मेरा अनअकैडमी का _ रमन, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आकर के आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। फर्दर कोई भी चीज डिस्कस करनी है, कोई डाउट है वो सब आप भेज सकते हो, ठीक है। और 1st of September से यार ये मैं बार बार स्लाइड में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, 1st of September से ऑन अनअकैडमी ऐप फ्री वाले उसमें ही स्पेशल क्लासेस पे 8 PM मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट करा रहा है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ज्योमेट्री कई बच्चों का यार वीक चलता है इसलिए मैंने ज्योमेट्री पिक करा है ताकि आराम से तसल्ली से पूरा मैं ढंग से आपको कंप्लीट करा सकूं, ठीक है। कोई जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा मैं, पूरा तसल्ली और बहुत ही स्लो भी नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा जल्दबाजी से और ढंग से तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ये मेरी यार कुछ टाइमिंग है 5 PM 8 PM ये मेरी जनरल टाइमिंग है, 2 और 11 PM ये मेरी जनरल टाइमिंग है यूट्यूब पे आने की स्पेशल क्लास में, बाकी डिपेंड करता है किसी वजह से कुछ चीजें मैं चेंज करूं तो एक अलग बात है, ठीक है। और स्पेशल क्लास के फीचर एज यू कैन सी पोल सिस्टम, माहौल कॉम्पिटेटिव रहे, हैंड रेस करके डाउट लेना, क्लासेस मिस ना करें नोटिफिकेशन आता है, लेक्चर नोट्स क्लास ओवर होते पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ज्योमेट्री क्लास का टाइम यार 8 PM रखूंगा मैं, जो 8 PM लेता हूँ ना रात में सेशन तभी रखूंगा मैं इसको, ठीक है। और अनअकैडमी इज लुकिंग फॉर कैंपस एम्बेसडर, ठीक है, तो इसके लिए भी आप अगर इंटरेस्टेड है तो इनरोल कर सकते हैं, यूज द कोड RMN10, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिलते हैं, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं फिर आगे की कहानी हम लोग, और आते हैं एक और क्वेश्चन पे। चलो यार एक ना मैं ट्रिगो का क्वेश्चन और मुझे देना था, मुझे याद है एक ट्रिगो का, जस्ट टू चेक कि ट्रिगो कितनी सही है बच्चों की यहाँ पे, तो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9, ठीक है, और थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है, थीटा इज एक्यूट एंगल, क्योंकि ज्यादा 11th लेवल की ट्रिगो नहीं डालेंगे, एक्यूट एंगल है ये, तो आप ये बताओ कि 5 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शन है 11/8 और 13/4, 7/8 एंड 9/8, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ताकि मेरे को थोड़ा आइडिया लगता है कि कौन सा पोर्शन आप सबका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कई तो रेगुलर बच्चे हैं जो मुझे टाइम टू टाइम दिखते हैं, कुछ आते जाते रहते हैं वो एक अलग बात है, ठीक है, पर कुछ एक है जो रेगुलरली पूरा एक तरह से कनेक्टेड रहते हैं, तो थोड़ा सा जानना जरूरी है कि किस बच्चे का क्या पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, क्या कैसा चल रहा है। अंश, तो अंश बताते हो कि सर मैं हूं ना, मेरी ट्रिगो बहुत अच्छी है, ठीक है। ट्रिगो तो सर टिप्स पे आती है, ट्रिगो इज माय पैशन सर। इतना तो नहीं है ना अंश, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, पैशन वैशन नहीं है सर, बस ठीक है, आती है थोड़ी बहुत। चलो ये तो पता लग गया कि हाँ ट्रिगो में हमारा सर जो है थोड़ा हाथ ढीला है हमारा सर। चलो जी कॉस थीटा यार क्या होता है, याद है वो सब हम लोग करते थे, वो क्या होता था पी बी पी अपॉन में अलग अलग एक्रोनिम फनी एंगल में टीचर्स याद करा देते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कुछ भावुक हो जाते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, पता नहीं क्या गया, या पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, अपने अपने फंडे लोगों के याद करने के, वो खैर आप देख लेना। मुद्दा यह है कहने का कि आप जब एक एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो यार, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में तो 90 है, अगर आपका ये थीटा, अगर आप इस थीटा के पॉइंट से बात करो तो ये बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है, और उसके अंदर ये जो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है दिस इज साइन, और ये आपका होता है कॉस, और ये आपका होता है टेन, और जो कॉसेक होता है वो साइन का रिवर्स होता है, पता है ये बात है आपको शायद, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कॉसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, तो इस हिसाब से ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, इसको आप ध्यान रखें। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से आपको पता लगेगा कि बेस की वैल्यू 40 है, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है दैट इज 9, 40 और 41 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से बेस मेरा कितना आ गया 40 आ गया। अब मैंने पूछा 5 tan theta, tan theta क्या होता है perpendicular upon base, perpendicular मेरा 9 है और base मेरा 40 है, तो 5 इसको 8 पे कट करेगा, 9/8 will be the answer। धन्यवाद।
तो ये कुछ यार बातें आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड, डन है। चलो बड़े आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं। वही मार्क किया था ना, समझा नहीं मैं। हाँ आपने ई कर दिया, अच्छा मैंने, अच्छा पोल भी मैं ई तक के क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी यार मैं बी तक के करता हूँ, डी तक के, आपकी गलती है सर, हमने तो सही किया था। अच्छा ये भी कर दो यार, ये ना क्योंकि कंपाउंडर ये, हालांकि अगेन ये भी मैंने मॉर्निंग में एक बार कराया था, बट ठीक है एक बार फटाफट से कर देना क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे जो बच्चे भी राइट नाउ दिख रहे हैं, मॉर्निंग वाली क्लास में मुझे दिखे नहीं थे। एक बार इसका भी आंसर बताना फटाफट से क्या आएगा। वरुण एंड मधुर इन्वेस्ट रुपीज 25,000 ईच इन डिफरेंट स्कीम्स। वरुण जो है उसको मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है 11% पर एनम पे। मधुर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है 10% पर एनम पे कंपाउंडेड एनुअली। तो बताइए किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के लिए दोनों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बताओ पैसे किसको ज्यादा मिलेंगे। वरुण और मधुर नाम के दो प्राणी हैं, ठीक है पोल में क्रिएट कर नहीं रहा, क्या कर रहा हूं यार। एक ये वरुण है और एक ये हमारा मधुर है। वरुण ने जो अपनी कैलकुलेशंस रखी वो सिंपल इंटरेस्ट पे रखी और सिंपल इंटरेस्ट पे उसने 2 साल के लिए आर की वैल्यू 10% को ध्यान में रखते हुए पैसे दे दिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में मधुर ने क्या करा फॉर द टाइम 2 ईयर उसने आर की वैल्यू, अच्छा इसने 11% रखा था, इसने 10% रखा है। अब ये बताओ किसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और कितने रुपए। तो ज्यादा इंटरेस्ट किसे मिलेगा और कितना मिलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। संकेत बहुत अच्छे यार, वेरी गुड। बाकी विजय अभिनव क्या आंसर आएगा, प्रियांशी अभिनव अदर बच्चे सेम आंसर, और टाइम खत्म। देखो यार सीधी सी बात है, ये जो प्राणी है वरुण नाम का, अगर ये 2 साल के लिए 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देता है तो इसको इंटरेस्ट सीधा सीधा मिलेगा 22%, और मधुर अगर 2 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे देता है तो कंपाउंड का मतलब होता है 10% सक्सेसिव 2 बार, है ना। तो इसे आप ए प्लस बी वाले फॉर्मुले से भी लिख सकते हो, 10 + 10 + 10 × 10 / 100 यानी कि 21%, इसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 21%। सीधी बात है वरुण को इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है 22 - 21 के हिसाब से 1% ज्यादा मिल रहा है, और 25,000 के 1% की वैल्यू क्या होगी, अगर आप 25,000 का 1% निकालोगे तो 250, तो वरुण को 250 रुपीज मिल रहे है ना, ओवरऑल 1% का डिफरेंस आएगा यार, सीधी सी बात है। देखो ये सब चीजें तो यार मैं चाहता हूँ आप लोगों को टिप्स पे, ये सब तो आप कैलकुलेट करना जानते हो, जैसे मैंने बोला है टाइम 2 साल है, आर की वैल्यू कितनी है, कुछ भी बोल देता हूँ लाइक 10% है, चलो 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या तो आप 10 + 10 × 10 × 10 / 100 कर दो, या फिर आप सिंपल कर सकते हो सर 10% होता है 1/10, तो सर 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर यानी कि 100 से 121 मतलब कि 21% का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। या फिर आप ये भी बोल सकते हो सर 10 + 10 × 10 × 10 / 100 के हिसाब से 21% मिलेगा, राइट। अगर मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम आपका 3 साल है, ठीक है 3 साल में बोल देता आर की वैल्यू, अगर मान लो मैं कह देता 10% ही है, ठीक है, और 3 साल में आपको पता लगाना, तो आप सीधा करो कि सर 10% कितना होता है, 1/10 होता है, आप बात 3 साल की कर रहे हो तो सीधी बात है 10³ से 11³ हो जाएगा यानी 1000 से 1331 हो जाएगा, तो सर 33.1 का इंटरेस्ट, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। और भी कुछ अगर करना है, अगर मान लो मैंने 4 साल कर दिया, मैंने कहा यार कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है टाइम मेरा 4 साल है और आर की वैल्यू मेरी 10% है, अब बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप सीधा कहना सर 10^4 से 11^4, 10^4 का मतलब होता है 10,000, इसका होता है 14641, तो सर सीधी बात है 4641, ठीक है अपॉन में 100 यानी कि 46.41% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटेज अगर कुछ और आ जाती है, जैसे मान लो टाइम ये कहता है कि 2 साल है, ठीक है, और आर की वैल्यू जो है दैट इज 5% है, तो आई थिंक वो भी तरीका ठीक है। 5% क्या होता है 1/20 होता, तो बेसिकली 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हो जाएगा 400 से 441, मतलब आपको ये भी आना चाहिए क्योंकि कई बार ना वैल्यूज देता, तो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है, कई बार वैल्यूज देता तो अपन सीधा कनेक्ट कर देंगे। अगर परसेंट में है, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ परसेंटेज निकालने में, समझ लो बात मैं क्या करूँ, मान लो मैंने बोला यार कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम है आपका 2 साल और आर की वैल्यू सपोज मैंने 5% लिख दी। अब मुद्दे आते हैं, दो पॉइंट आते हैं, क्या कि अगर तो आप देखो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है, आप ना मेथड्स को मत जज किया करो ये अच्छा है वो बेकार है, नहीं, क्वेश्चन की डिमांड कई बार अलग अलग होती है, तो फिर वहां पर वो मेथड ज्यादा यूजफुल हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएट करते हैं। अगर आप
ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि कितना परसेंट मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप 5 + 5 + 5 × 5/100 ये कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10.25 आ जाएगा, राइट। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि कितने रुपए कितने बन गए, मतलब आपको वैल्यूज दे रखी है, तो बेटर है कि आप ये करो सर, 5% इज 1/20, यानी कि 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी प्रिंसिपल सर अगर 100 रुपए है तो मेरा अमाउंट बन जाएगा 441। तो आप ऐसे करो अगर वो वैल्यूज दे रहा है, क्योंकि अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैंने ये बोला होता कि मान लो मैं कहता कि भाई अमाउंट जो है दैट इज 8820, बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो आप सीधा से कहते कि सर अमाउंट इसने बोला 8820 का मतलब है कि इंटू 20 करना होगा, इंटरेस्ट मिल रहा है 41 का, 41 में 20 इंटू करूंगा, तो सर सीधी बात है मेरा आंसर 820 आ जाएगा। बात आ रही है पकड़ में क्या कह रहा हूं मैं? तो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कई बार कि आपको फॉर्मुला लगाना, और फिर इस फॉर्मुले के ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ 2 ईयर तक के लिए वैलिड है, ठीक है, 3 साल का है तो फिर आप उसको पहले यहां से ही निकालना, फिर आप तीसरा साल भी उसके अंदर डालना, तो फिर वो एक अलग केस हो जाएगा, ठीक है। चलो वापस आते मुद्दे पे, ये क्वेश्चन एक था यार, ये आई गेस आप लोगों को समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये सब तो आई गेस आप सबने मेरे साथ कर लिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया था लास्ट हमारा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग क्या आएगा, ठीक है। पोल मैं क्रिएट कर देता हूं, तो ध्यान रखना है ऐसे ना रैंडम क्वेश्चन यार, कई बार ना बच्चे वो उस एंगल में ना ले जाएं कि अरे सर जो भी है व्यूज या इन सब चीजों के पॉइंट्स में बोल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं यार, आपका मन वही पॉइंट आ जाता है, देखना तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो, ठीक है। इतना कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर कि नहीं आओ मेरी वीडियोस देखो, पॉइंट इज यार पॉइंट क्या सर, क्यों हम ये क्विजेस करें रैंडम, अभी मैंने सिलेबस ही नहीं करा, पर ऐसी चीजें करते रहने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं ना अब उनको टिप्स पे कुछ चीजें याद हो गई, याद है वो इनसेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब 5 सेंटर जो मैं बार बार बोलता हूँ, अब उसको मैं क्विजेस के दौरान 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, वैसे आपके टिप्स पे वो चीजें आ चुकी हैं, आपकी जनरल कैलकुलेशन इंप्रूव होती है क्वांट्स के अंदर ना। अब कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 का टेबल आता है आपको या 17 का आता है आपको, स्क्वायर्स कितने आते हैं, नहीं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है, तो वो सब चीजें यहीं से इंप्रूव होती है, राइट। क्योंकि होता पता है यार प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर मैं आपको प्रॉपर चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा आज मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, तो आपका दिमाग ना सिर्फ टाइम एंड वर्क के हिसाब से ही चल रहा होगा, और वही जब ये, और मैं टफ क्वेश्चन वैसे भी नहीं डालता बहुत ज्यादा क्विजेस के अंदर, इस दौरान वाले जो मैं ये लर्न फास्ट करके क्विज डालता हूं उसमें मैं बहुत टफ क्वेश्चन नहीं डालता, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी बेसिक कैलकुलेशंस बस ठीक ठाक चलती रहे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं बस वो पता लगता है, राइट। तो बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन मैं डाल भी नहीं रहा हूं, पहली बात, इसमें डालने को मैं डाल सकता हूं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मुझे बताया यार वो जबरदस्ती वाली चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते अरे यार अभी मैं चेंज करता हूँ, अब की बार ध्यान रखूंगा अंश, ठीक है। देखो यार यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 2-4 फटाफट से बातें कर लेते हैं। अगर आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर से रिलेटेड आपको पता है कि यार वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है सर 2πr h, ठीक है, और सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, तो सर वो होता है 2πr ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, ठीक है। फिर पॉइंट आपका यह आएगा, लेकिन सर अगर आप एक होलो सिलेंडर दे रहे हो कि एक सिलेंडर है लेकिन विद अ थिकनेस, उसकी कुछ थिकनेस भी है, इस सिलेंडर की थोड़ी सी कुछ थिकनेस भी है, थोड़ा सा थिक है, ठीक है, ये जो आप सिलेंडर बना रहे हो ये थोड़ा सा थिक है, यानी जिस भी मेटल का बना वो मेटल थोड़ा सा मोटा है, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा मेटल यूज हो रहा है, ठीक है, ये पूरी पूरी जगह क्या हो रहा है, ये सब जगह मेटल यूज हो रहा है, अगर ऐसी कुछ फिगर मैंने दे रखी है, तो इसमें 2 चीजें मैटर करेंगी, ठीक है, 2 रेडियस मैटर करती है, मान लो ये सेंटर है तो यार 2 रेडियस मैटर करेंगी, एक होती है अंदर इंटरनल रेडियस कह सकता हूं मैं, और एक होती है एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, और बाकी ये तो आपकी हाइट है ही। अगर आपको वॉल्यूम निकालना तो सीधी बात है आप बाहर वाली रेडियस लेकर के पहले वॉल्यूम निकालोगे, अंदर वाली रेडियस लेकर के वॉल्यूम निकालोगे और दोनों को माइनस कर दोगे, फिर आप पाई एच कॉमन निकालोगे, अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। और एक छोटी सी बात ध्यान रखना, कई बार वो क्वेश्चन क्योंकि घुमाने लग जाता है, यहां पर आएगा आर प्लस आर, यहां पर आएगा आर माइनस आर, और आर माइनस आर का मतलब होता है थिकनेस, ये तो आर प्लस आर है, और यहाँ पर R माइनस R का मतलब T, T4 थिकनेस। कई बार वो क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि ये फॉर्मूला आपको मतलब डायरेक्ट आइडिया होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, आपको याद यही करना है, बस आपको याद होना चाहिए कि हाँ यार थोड़ा बहुत डेरिवेट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता था, वहां से थिकनेस आ जाती थी, ठीक है। अब जरा मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसमें मैंने कहा वॉल्यूम मैंने दे रखा है 3564, एक्सटर्नल रेडियस मैंने दे रखी है, एक्सटर्नल रेडियस मतलब कैपिटल आर मैंने दे रखा है, और थिकनेस कितनी है 3 है, तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी 12 × 9 हो जाएगी, राइट, और क्या लेंथ बतानी है, तो सीधी बात हो जाएगी वॉल्यूम 3564 इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था पाई, अभी ये बताया आपको, ठीक है,
ये रहा पाई एच और फिर आर प्लस आर आर माइनस आर, ठीक है। तो पाई मतलब कि 22/7 आ जाएगा, एच मुझे पता नहीं, आर प्लस आर 12 और 9 कितना हो जाता है 21 हो जाता है, 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी 7 इसको 3 पे कट करेगा, 3 3 9 हो गया, 9 से ले जाकर उसको कैंसिल आउट कर दू। मेरे हिसाब से पहले 22 से करो यार, मुझे ऐसा लगता है 22 से सीधा कट जाएगा, 22 1 22 हो जाएगा, ठीक है। कैरी कितना जाएगा 13 जाएगा, 136 हो गया, और 136 के हिसाब से आप 22 से करोगे तो कितना आता है 132 भी आता है, ठीक है। 132 कितने पर आता है इसका 6 पर आता है, फिर उसके बाद 4 कैरी जाएगा ये 2 पर चला जाएगा, फिर 3 3 9 से आप इसको कैंसिल आउट कर देना, 9 1 9 हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 89, ठीक है। ऐसे करके ना डायरेक्ट नंबर यूज किया करो, ठीक है। 22 का टेबल मैं नहीं, अगेन यार मुझे भी कौन सा याद है, मेरे से कोई सीधा पूछे 22 7 क्या होता है, मैं एकदम से मैं भी नहीं मतलब बता सकता हूँ। और क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि यार मेरा केस अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि मैं पूरे दिन क्वांट्स पढ़ाता रहता हूँ, तो वो प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें याद हो गया। बट मैं एक बात करूं, वैसे कोशिश क्या करो कि यार टेबल डायरेक्ट यूज करो, लिखो ना, या फिर ये 2 से कट करना 3 से कट करना है बचपन ही नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर, डन है जी बात। चलो आगे बढ़े, आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होना चाहिए, पोल में क्रिएट कर देता हूं। अ शॉपकीपर बॉट पेंस एट द रेट ऑफ 1350 फॉर 15 डजन पेंस एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 495 फॉर 5 डजन। मतलब खरीदते हो किस रेट पे खरीदा कि 15 डजन पेन 1350 के मिलेंगे, है ना, वो सिंगल आइटम नहीं देता, वो सीधा कहता 15 दर्जन खरीदो, 15 दर्जन खरीदने पड़ेंगे, इतने रुपए में मिलेंगे, इस रेट पर वो सामान खरीद कर लाया है और 495 फॉर 5 डजन के रेट पर बेच दिया है, ये रेट है, राइट ना। जैसे आप लोग भी जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो यार, अगर आप केले बनानास लेने जाते हो, केले खरीदने जाते हो, तो वो दर्जन के हिसाब से रेट बताता है ना कि भैया इतने रुपए डजन है, आप बताओ कितने लेने। अब आप उसे कहोगे काम करो 2 केले दे दो, ठीक है, तो फिर वो 2 केले के हिसाब से रेट लगाएगा यार, वो एक अलग बात है। आर्टिकल सेम करने वाला भी कर सकते हो आप, इसे आर्टिकल सेम के प्रोसेस से भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है 1 पे ही कर दो। कहने का मतलब जब आप खरीदने गए तो एक दर्जन कितने का रेट है, 1 डजन का रेट कितना है, 15 से इसको सीधा सीधा डिवाइड करोगे 90, यानी 1 डजन 90 का है, और आप बेचते हो किस रेट पे बेचते हो, 5 को बेचते हो इस हिसाब से, तो ये जाएगा मेरा 99 पे, तो आप सीधा सीधा 9 का प्रॉफिट कमा रहे हो, 90 पे इंटू 100 कर देना, यानी कि 10% आंसर हो जाएगा, समझ गया क्या बोला मैंने, एक डजन पे निकाल दो क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही थी, ठीक है। कि यहां पर इसने क्या बोला था, कहता है कि यार आप खरीदते वक्त 1350 लेते हो 15 डजन के रेट पे, बेचते हो 495 5 डजन के हिसाब से बेचते हो, तो खरीदते वक्त पर डजन रेट क्या था, बेचते वक्त पर डजन रेट क्या है, बस उस हिसाब से कैलकुलेट कर देना, ठीक है, तो एज सच कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, एक बार बताएं क्या आंसर आना चाहिए। The population of a town increases by 15% in 2018, 10% in 2019, but due to pandemic, 10% decrease होगी in 2020. तो बताइए कि population 3 साल के अंदर कितना percent change आया population में? Within 3 year, population में कितने percent का change आ गया? डन है, तो फिलहाल 2 बच्चों ने सही आंसर करे, आई होप नंबर थोड़े से शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे हूँ, ठीक है। सबसे पहले 10% इंक्रीज है, फिर 20% इंक्रीज, अगर आप फॉर्मुले से करना चाहते हो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो आप सीधा बोल सकते हो सर 15 प्लस में 10 प्लस 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 में कर दूंगा, तो ये सर 25 हो गया, 5 के टेबल में सर 2 पे जाएगा, 5 के टेबल में 20 पे जाएगा, 5 के टेबल में 3 पे गया, 5 के टेबल में 4 पे गया, 2 के टेबल में सर ये 2 पे जाएगा, 2 इसको कट करेगा तो कितना
1.5 यानी कि 1.5 के हिसाब से 26.5 तो सर ये हो गया। फिर मैं 26.5 उठाऊंगा ये 10% डिक्रीज वाला। अब पता तीन वाला भी फॉर्मूला होता है पर यार वो बहुत बेतुका है, छोड़ो उसको, ठीक है। प्लस आ जाएगा फिर 26.5 आ जाएगा इंटू में -10 आ जाएगा और अपॉन में आप 100 कर दोगे। इसको आप माइनस करोगे तो कितना हो गया आपका 16.5, तो यहीं से आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जीरो से जीरो आपका कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा और क्या होगा यहाँ पे 2.65 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो राइट आंसर इज 13.85, एक आइडिया सीधा सीधा लगे रहा है। दूसरा तरीका यह है करने का कि आप सीधा बोल सकते हो सर 15% इंक्रीज का मतलब क्या, 20 से 23, 10 से 11 और एक और भी है यार 10 से 9 भी है, 10 टू 9 भी है, ठीक है। फिर आप इनको उठा के मल्टीप्लाई कर देना, इनको उठा के जब आप मल्टीप्लाई करोगे 23 11 का कितना होता है 253 हो जाता है, 9 3 27 का 7 हो जाएगा, 2 कैरी जाएगा, 25 3 225 और 2 227, 227 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। तो 277 का इंक्रीमेंट 2 पे राइट 20 पे, ऑब्वियसली 2000 करोगे यार इनटू 100 वो तो कैंसिल आउट ही हो जाना है, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर लेना, आपका आंसर यही आने वाला है 13.85 ही आएगा। डन है बात, आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है, कर लोगे कहने का मतलब, ठीक है। चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ चाहे आप ये तरीका लगाओ, दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। कोई कहता नहीं सर मैं तो 100 मान के करूंगा, 100 से भी कर सकते हो यार, ठीक है। 100 पे सबसे पहले जो कितना इंक्रीमेंट आया था 15% 10%, ठीक है, पहले 15% इंक्रीज कर दो 115 हो गया, फिर उसके बाद इसको 10% इंक्रीज कर दो, इसका कितना होगा 11.5 होगा, तो कितना हो जाएगा 126.5 हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको 10% डिक्रीज कर देना, इसका 10% कितना होगा 12.65 होगा। तो यहाँ पे जीरो लगा दो, जब आप कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन कितना, इसलिए मेरे को बड़ा इरिटेटिंग लगता है, ठीक है, बाकी कर देता हूँ मैं। हालांकि यहाँ पे 35 आएगा, 35 के हिसाब से 385 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल आएगा और बाकी यहाँ पे 11 आएगा। तो अगर पॉपुलेशन 100 से ये हो रही है तो 13.85% का इंक्रीमेंट आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो अपने अपने फंडे यार, ठीक है, अपने अपने फंडे कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर राइट, दो तीन तरीके आपको जो ठीक लगे आप उठा के कर देना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन यार आप लोग और बताना, ठीक है, एक अगेन जस्ट टू चेक द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एक बार वापस आपका ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन ये है 3 cot theta और +10 theta माइनस में 2√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। और आपके ऑप्शन है 30 degree, 45 degree और 60 degree, 15 degree या none of these। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट आपके ट्रिगो का, ठीक है, ट्रिगो कितनी है, बेसिक सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, बहुत ज्यादा टफ नहीं लिखा, ये 2√3 है, ठीक है, ये 2√3 है, 3 cot theta + 10 theta माइनस में 2√3 इक्वल टू 0, क्या आंसर आएगा। बाय ऑप्शन करो यार, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, बाय ऑप्शन करो, बाय ऑप्शन, ठीक है, 30 45 60, कॉट की वैल्यू और 10 की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू हो जाती है आपकी 1 1 ही रहती है, कॉट हो जाता है आपका √3, ये होगा 1/√3, ये होगा 1/√3 और ये होगा √3। एकदम लास्ट मोमेंट पे हिंट दिया मैंने कि अब कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। खैर जी, मेरे हिसाब से आप यार सीधी सी वैल्यू उठा के डाल देना, ठीक है। सपोज आप 30 degree सोचते हो, आपने 30 degree सोचा तो 30 degree के हिसाब से क्या बनेगा, 3√3 बन जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ 30 degree डालोगे तो प्लस में 1/√3 आएगा, लेकिन इनको ऐड करके ना -2/√3, मतलब यहाँ पे इस, मैं क्या चाहूंगा कि यार ये जो पोर्शन है ना इस पोर्शन को सॉल्व करके 2/√3 आंसर आ जाए, क्योंकि फिर 2/√3 से 2/√3 कटेगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो अगर मैंने 30 degree का सोचा तो यार 30 degree से बनेगा 3√3 और प्लस में 1/√3, ये बिल्कुल नहीं बनने वाला। 45 मैंने सोचा, 45 अगर मैं डालता हूँ cot और 10, 45 1 1 होते हैं तो 4 आंसर आएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। 60 degree अगर मैं यूज करूं तो 3 और ये होता है मेरा 1/√3, तो आप यहाँ पे 1/√3 डालोगे, यहाँ पर आप √3 डालोगे, ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे कितना बनेगा ये आपका 60 degree के हिसाब से, ये आ जाएगा √3 + √3 यानी कि 2√3 आ रहा है, दोनों कैंसिल आउट होंगे, 0 आएगा, तो 60 सही आंसर है। तो अभिनव 3-4 बच्चों ने आंसर सही किए थे, विच इज गुड, ठीक है, बढ़िया जी। तो ये छोटा सा एक ट्रिगो का क्वेश्चन मैंने डाला था जस्ट टू चेक कि कितनी हमारी समझ क्लियर है इसको लेके। और एक क्वेश्चन और है यार, ये एलजेब्रा को लेके है, अगेन इस पे भी देख लेते हैं हमारी समझ कितनी क्लियर है एलजेब्रा को लेके, ठीक है।
पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ इस आइडेंटिटी, इनमें अब जरूरी नहीं है, यही हो सकता है इसमें से कोई आइडेंटिटी यूज भी ना हो। ए स्क्वायर पता होगा आप सबको, एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। और एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये दो आइडेंटिटीज है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए 7 और ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू है 301, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी? आपके ऑप्शंस हैं -4 -2 3 या 2। तो मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 है और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 301 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी? आपकी हेल्प के लिए मैंने आइडेंटिटी ऊपर लिख दी है, अगर किसी बच्चे को नहीं आती है तो यही तो आइडेंटिटी है जिसका यूज होगा। ओके सो ठीक है जी, आंसर तो नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक काम करो, जो ए बी बी सी सी ए ना, ए बी बी सी सी ए, इसको ना कैपिटल एक्स नाम दे देता हूँ ताकि ना बार बार लिखना ना पड़े, अजीब लगेगा बार बार लिखेंगे ना, ओखा लगता है बेकार का, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करा, मैं गया ए प्लस बी प्लस सी 7 है, तो ये सीधी बात है 7 का स्क्वायर है, ठीक है। ये मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और इसको मैंने क्या बोला, टू कॉमन निकालोगे तो ए बी बी सी सी ए बचेगा, उसको मैंने कहा यार एक्स बोल दो, परेशान बेकार में इरिटेट होने वाली चीज नहीं है, तो सीधा सीधा मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना, 7 का स्क्वायर इज 49, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 माइनस 2x आ जाएगी, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ जाता हूँ, इस पूरे की वैल्यू मुझे दे रखी है 301, ये मेरा कितना है ए प्लस बी प्लस सी 7 है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो था इसको मैं लिख सकता हूँ 49 माइनस 2x लिख सकता हूँ और माइनस में ए बी बी सी सी ए को मैंने x मान रखा है, डन है बात। 301 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 4 28 होता है, 7 3 43, तो यही आ गया मेरा सीधा सा, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है मेरा, 49 माइनस में 3x चल रहा है, तो यहाँ पे ये मेरा 3x आ जाएगा, ये यहाँ पर आकर के 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, सो करेक्ट आंसर इज 2। बात ये पकड़ में क्या करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दो बार चल रहा था तो बेकार के पंगे ना लेकर के, राइट ना, मैंने सीधा सा उठा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए बी बी सी सी ए यहाँ भी है, ए बी बी सी सी ए यहाँ भी है, मुझे मेन मतलब था ए बी बी सी सी ए से, मैंने उसी को एक्स उठा लिया और बस उसके बाद वैल्यूज डाली, आंसर आ गया, डन। समझ आया सभी को कैसे किया? हाँ जी, कोई डाउट आउट तो नहीं? अगर क्लियर है बात तो एक बार फटाफट से थम्स अप एंड ऑल जो भी आपके मेथड है ये बताने के कि हाँ सर समझ आ चुका है, आगे कुछ और बताएं, कुछ नया पेश करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते यार, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड देना बस जरा। जस्ट अ सेकंड, बस एक सेकंड देना मुझे जरा। चलो एक मुझे बस क्वेश्चन याद है, आप लोग ना चैट में आंसर बता देना मुझे, ठीक है। इसका पोल मैं क्या क्रिएट करूं, फिर ऑप्शन ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। एक ऐसे मुझे याद है, ऐसे रिलेटेड ना, एक बार आप लोग बताना, अगर ए की वैल्यू है मान लो 997, बी की वैल्यू है 998 और सी की वैल्यू है 999, तो आप बताओ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी? अगर ए की वैल्यू है 997, बी की वैल्यू है 998 और सी की वैल्यू है 999, तो ऐसे में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या आएगी?
जाहिर सी बात है कि आप इसमें वैल्यू, तो ऐसा कोई भावुक मत हो जाना सर, अरे सिंपल है सर, 997 का क्यू किया, 998 का क्यू किया, 999 का क्यू किया, -3 ABC कर देंगे, आ गया आंसर। ठीक है, आपको भी पता है ये बात बहुत बेतुकी है, ऐसे बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। मैं कर रहा हूं, आया नहीं किसी का आंसर? चलो मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सा फंडा इस क्वेश्चन को करने का, क्या एक बात समझना, जो मेरे सामने नंबर लिखा होता है ना, a² + b² + c² और उसके बाद -ab - bc और -ca लिखा होता है, आप सीधी सी बात है, अगर आप इस सब में 2 2 इंटू कर दो तो इसे मैं 2a² + 2b² + 2c² और माइनस में 2ab, माइनस में 2bc और माइनस में 2ca ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें अगर ध्यान दूं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये जो ए ये है ना, ये इसको मैं 2 कर देता हूँ, a² कर देता हूँ, इसको मैं b² कर देता हूँ, और इसको मैं c² कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहां से पकड़ा a², यहां से पकड़ा b², यहां से पकड़ा मैंने 2ab, ये पकड़ा, तो ये तीनों नंबर कंबाइन होके बन जाएंगे a - b² होल स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने यहां से a² पकड़ा, यहां से मैंने c² पकड़ा, और यहां से मैंने ये पकड़ा 2ca, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहां पर मैं इसे लिख सकता हूँ a - c² होल स्क्वायर। और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने फिर यहां से b² पकड़ा, यहां से c² पकड़ा, यहां से 2bc पकड़ा, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सीधा सा b - c² होल स्क्वायर। ये बात समझ में, मतलब दिस कैन बी रिटन एज दिस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है कि a³ + b³ + c³ जो है मेरा, माइनस में 3ABC अगर लिखा है, तो इट कैन बी रिटन एज a+b+c, तो है ही, बढ़िया है जी। उसके बाद क्या लिखा होता था, a² + ये पीछे मैंने लिखी है ना आइडेंटिटी, वही चेंज करता हूँ, ये आइडेंटिटी लिखी थी ना मैंने, एक सेकेंड इसी को चेंज करते हैं। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को फटाफट से चेंज कर देता हूं मैं, अब देखना यहां पर एक काम करता हूं मैं, अंदर ना बाहर 2 से डिवाइड कर देता हूं, और अंदर सबके अंदर एक 2 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, सबके अंदर एक एक 2 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं और बाहर 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो अब ये इक्वेशन क्या बन सकती है, इस 1/2 को थोड़ा यहां लिख दो, ये हो गया a+b+c हो गई, और ये क्या बन जाएगी, अब ये पूरी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, a - b² + b - c² स्क्वायर, b - c² स्क्वायर और +c - a² स्क्वायर। ठीक है, अब आता हूं क्वेश्चन पे, अब ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 a+b+c यानी 997 +998 +999, और फिर उसके बाद मैंने क्या सीखा, a - b² मतलब कि -1 का स्क्वायर, b - c² यानी फिर से -1 का स्क्वायर, और c - a² यानी कि 2 का स्क्वायर। समझ गए, बात खत्म। तो ये कितना बन गया, 1/2 बन गया, इन सबको ऐड करोगे, अब अगर ऐड करना है तो सीधी बात है, हजार हजार हजार, 3000 हो गया, 3000 एक्चुअल में हजार हजार नहीं है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये हजार है, ये हजार है, ये हजार है, 3000 हो गया, 3000 में से ये एक कम है, ये दो कम है, ये तीन कम है, तो 3 तो 5 और 1 6 यानी कि 2994 लिख सकता हूँ मैं इसको ऐड करके। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 6 यहाँ पर आएगा 6, 2 इसको कट कर देगा 3 पे, दैट्स इट, हो गया। इसमें भी ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसे 3000 कंसिडर कर लो, 2994 जो लिखा है आप इसे 3000 कंसीडर कर सकते हो, और अगर आप 3000 को 3 से इंटू करते हो तो कितना आता है, 9000 आता है। अब 9000 में एक्चुअल में 6 यूनिट कम था, तो 6 3 18 कम कर देना, 9000 में से 18 कम कर देना, योर आंसर विल बी 8982। आई बात पकड़ में? तो एक क्वेश्चन था, आई थॉट कि चलो यार एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन दिख जाते हैं एग्जाम में अक्सर, क्योंकि यार सीधी बात है, ये क्वेश्चन पता है ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जिसे आता होगा वो तो फटाक से कर देगा, और जिसे नहीं आता वो चाहे कुछ भी कर ले इसमें बैठ के, जिसे ये बात नहीं पता वो नहीं कैलकुलेट कर सकता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। डन है बात, आई होप क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आते हैं यार आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन यार एक आपके सामने है, अगेन ये भी मैंने प्रिंट नहीं करा, आई थॉट कि लिख ही दूंगा, एक क्वेश्चन में छोटा सा ही क्वेश्चन है, x²-3√2x+1=0, तो आपको बताना है कि x³+1/x³ की वैल्यू क्या होगी, आपके
ऑप्शंस है 30√6 एंड 45√2, 15√6 एंड 30√2। ये चार ऑप्शन है आपके। क्या लगता है सही ऑप्शन क्या है? मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस में 3√2x+1=0, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? क्या लगता है? पोल नहीं क्रिएट किया मैंने, सॉरी। लगाओ दिमाग लगाओ, मिडल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो पा रहा होगा, मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा होगा। फिर अगर आप सोचो कि चल यार मैं 20² - 4ac अपॉन ये वाला फंडा लगा देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट वाला, 10th वाला फॉर्मूला, उससे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। कुछ और सोचो, ये सोचो कि जब वो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछ रहा है, तो ऐसे में क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चलते हैं? पक्की बात है आपको x+1/x पता होना चाहिए। क्या आप इसको x+1/x में कन्वर्ट कर सकते हो? इस पे दिमाग लगाओ कि क्या आप इसको x+1/x में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वो आपसे पूछा x³+1/x³, सीधी बात है पहले x+1/x आएगा और इसी की हेल्प से, इसका जो भी आंसर आएगा इसी की हेल्प से आप ये निकालोगे। चलो यार एक बात देखो यार, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक का, मतलब मान लो आपके सामने लिखा है ax² + bx + c लिखा है, और आप सबसे पहले, हर बच्चा सबसे पहले मिड टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करता है, और अगर आपसे मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, क्लियरली दिख रहा है यार मिड टर्म स्प्लिट हो ही नहीं सकता, सीधी बात है, छोटे छोटे से नंबर लिखे होंगे जैसे 1, 3√2, आपको पहले पता लग जाएगा मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होना, कोई लॉजिक ही नहीं बनता चेक करने का। आप अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आप बाद में जाना, उससे पहले आप एक काम करना, पहला स्टेप गलत हो गया, अगला पता है क्या करना, सबको उठा के एक्स एक्स से डिवाइड कर देना, सभी को उठा के एक्स से डिवाइड कर देना, राइट? और फिर आपकी जो फॉर्मेशन है ना, वो कुछ x+1/x या x-1/x के सेंस में बन जाएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर ये जो क्वेश्चन था, ये जो मैंने आपको दिया था, मैं क्या करूंगा, इन सबको उठा के एक्स से डिवाइड कर दूंगा सभी को, तो इससे क्या होगा, ये बन गया एक्स हो गया, ये मेरा 3√2 हो गया, और ये मेरा 1/x हो गया, और ये मेरा 0 हो गया, तो इन शॉर्ट x+1/x की वैल्यू क्या आ गई, 3√2 आ गई, बात खत्म, ठीक है? उसके बाद क्या करना, आपको ये निकालना ना, तो आप क्यूब बोथ साइड कर दो, दोनों साइड क्यूब कर दो, तो जब इसका क्यूब लिखोगे तो क्या होगा, x³+1/x³, फिर आता है 3ab यानी 3 × x × 1/x, और फिर आता है a+b मतलब क्या, x+1/x, और x+1/x की वैल्यू 3√2 है, तो 3√2 लिख दो, और यहां पर आपको 3√2 का क्यूब करना पड़ेगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, और √2 का क्यूब होता है 2√2 हो जाता है, तो यहां पर x से x कट जाएगा आपका, ये कितना हो गया, 27 × 2 = 54√2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9√2 हो जाएगा, इसको लाके यहाँ पे माइनस कर देना, योर आंसर विल बी 45√2। समझे क्या किया मैंने? अभिनव, प्रियांशी, मंजीत, निसार, समझ आया कैसे किया मैंने? हमेशा सिंपल सा यही दिमाग लगाना, अगर आपसे मिडल टर्म स्प्लिट होता है तो बढ़िया है, नहीं तो सब हटाओ, सबको उठा के एक्स से डिवाइड कर दो, फॉर्मेशन यही बन जाएगी तुरंत, यही दो फंडे होते हैं। और अगर ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा, अगर बाई चांस किस्मत खराब है हमारी, ऐसे भी कुछ बात नहीं बनी, तब फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाना, तब जाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, एल्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ऐसे बहुत कॉमन आते हैं, मान लो आपके सामने इक्वेशन देखिए, x² आ गया प्लस x आ गया प्लस 1 आ गया, ठीक है ना, x² + x + 1 = 0 दे दिया इसने, ठीक है? अब ये दे दिया और आपसे पूछा बताओ x³ + 100 + 1/x³ क्या होगा, ये पूछ लिया, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप सबको उठा के एक्स एक्स से डिवाइड कर दो, सबको उठा के एक्स डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/x हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया, तो आपका x+1/x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सॉरी इस केस में 100 नहीं, हाँ अगर मैं यहाँ पे छोड़ो 100 नहीं, इसको सिंपल ही रखते हैं, x² + 1/x² पूछ लिया सपोज मैंने, तो x+1/x की वैल्यू -1 है, बस यहां से निकल जाएगा आंसर, डन है बात, ठीक है? तो अगली क्लास यार, आज थोड़ी सी मैंने ज्यादा क्लासेस ऐप पर रखी है, तो 2:30 एक और क्विज के थ्रू मिलेंगे हम लोग, फिर एक मैं 5 के राउंड रखूंगा, एक और क्विज है 5 के राउंड, और फिर 8 PM जो है ना हमारी क्लास, जो 8 PM होगी वही कल जैसे टाइम एंड वर्क किया था ना, थोड़े हैवी लेवल के क्वेश्चन किए थे टाइम एंड वर्क में, ठीक है? तो आज उसका पार्ट 2 करेंगे, जैसे कल मैंने थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को टाइम एंड वर्क के कराए थे, थोड़े से कैट लेवल कह सकते हो, टफ लेवल के क्वेश्चन कह सकते हो, आज टाइम एंड वर्क के उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो कि थोड़े से हैवी लेवल के क्वेश्चन थे, जैसे हमने कल करे थे।
आई वुड सजेस्ट यार, जिन भी बच्चों ने कल 8 पीएम वाला सेशन नहीं देखा, एक बार 8 पीएम वाला सेशन देख लेना जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क करवाया है, ठीक है? तो आज वैसे ही कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के उठाएंगे 8 बजे। बाकी अभी फिलहाल में दो क्लासेस और हैं, 2:30 और 5, ऐप के ऊपर ही है, क्विज ही करेंगे उसके अंदर, मतलब रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? डन है। तो बस यार फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और बाकी मिलते हैं आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है? चलो जी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें आप सब अपना, और जो भी बच्चे को क्विज में इंटरेस्ट है 2:30 मिल जाना, ठीक है? और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो जी, ओके बाय, टेक केयर।